तो स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे 2021 में अगर आप एसेट दे रहे हैं तो घर बैठे देना पड़ेगा, चाहे एसेट हो चाहे वो सीटी सीरीज हो। लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कैसे होना है कि आपके कंप्यूटर में एक वेब कैमरा होना ज़रूरी है, एक माइक्रोफोन ज़रूरी है। लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लैपटॉप में तो माइक्रोफोन और वेब कैमरा इसके साथ ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस विंडोज 7 के ऊपर भी चलता है, लेकिन लाइसेंस नहीं भी हुआ तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। iOS एंड मैकबुक और नॉट अलाउड, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप मैकबुक से ये ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं कर सकते, आप सिर्फ विंडोज से ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम लीजिए, फायरफॉक्स लीजिए, दोनों में ही चल जाएगा। मिनिमम स्पीड ये उतना ज़रूरी नहीं है, रैम मेन ये वे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा अगर हम लोग ना क्राइटेरिया में है CM1, CM2 और CP2, सो MS ऑफिस लाइसेंस 2010 या उसके ऊपर होना चाहिए। CS1 या CS2 के लिए 2010 या उसके ऊपर याद रखिएगा, लाइसेंस्ड ये लोग कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास अगर नॉर्मल भी है लेकिन उसका वैलिड होना चाहिए, अगर इनवैलिड दिखाएगा तो आप ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप चाहे तो इसको लाइसेंस बना भी सकते हैं, ऑनलाइन ये खरीद सकते हैं। आर स्टूडियो आर वर्शन आपको रहना ज़रूरी है। पहले अगर सेंटर में जाके देते थे तो वही लोग ये प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये अभी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ये हर बार ही होता है, ये लोग कभी भी आपको कैंसलेशन या फिर पैसे वापस नहीं करेंगे। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट, ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लॉगिन का प्रोसीड्यूर बहुत ही आसान है, एक्चुअली सब इंडिया में जाइए, एग्जामिनेशन September 2021 और एग्जामिनेशन फॉर्म, वहाँ पर डायरेक्टली एक लिंक भी दिया हुआ है राइट साइड में ब्लू कलर का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो परमानेंट और ऑल्टरनेट अगर कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से करना चाहेंगे, ये सब इन आप मैं PDF ये दे दूंगा, यहाँ से देख सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी है तो क्या करना है, आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है और ब्लैक एंड वाइट या फिर नॉर्मल सेल्फी वाला ना दीजिए। बैकग्राउंड थोड़ा सा सही होना चाहिए फ़ोटो में, फ़ोटो बहुत रिजेक्ट होता है। मैं तो कहूँगा सूट पहना हुआ एक फ़ोटो होना चाहिए जो आपका बाद में भी बहुत काम आता है, बिकॉज फोटो सेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टाफ। मिनिमम फोटो रेजोल्यूशन अगर आपका इतना नहीं है तो आप नेट में डाल के भी कर सकते हैं कोई भी नॉर्मल फोटो को हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। हेड अपने सेंटर में होना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है कोई भी फोटो में आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और पे और या सक रजिस्ट्रेशन और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बार दिया 31 जुलाई। अगर पैंडेमिक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए तो आमतौर पर ये डेट चेंज नहीं होने वाला है। हॉल टिकट आपका 21 तारीख तक आ जाएगा, जहाँ से आप गाइड ये ले सकते हैं। हॉल टिकट अपने घर में ही बैठ के देना है। सो यू आर एडवाइज टू रजिस्टर, एक ईमेल आईडी आपका देना है, और अदर क्वेरीज के लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं जो इस PDF में नहीं है और आपको लगता है आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, सो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9836793076। विद इन 30 मिनट्स वी विल आंसर यू एवरी टाइम। थैंक यू।